जो रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं। अजमेर जिले में राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण संस्था की तरफ से कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया गया और निंदा की गई। देखिए डोटासरा जी ने कोटा में रविदत्त गौड़ साहब आईजी साहब के विरुद्ध जनसभा में बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें धमकी दी, उन्हें लांछित किया और इसको लेकर के राजस्थान के सभी जगहों पर जो रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं। अजमेर जिले में राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण संस्था की तरफ से कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया गया और निंदा की गई डोटासरा जी के उन शब्दों की और मांग की गई कि वो इस तरह किसी भी राज्य कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को लांछित नहीं करें, अपमानित नहीं करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें। वो एक मैच्योर राजनीतिज्ञ हैं और यदि वो नहीं करते हैं तो हम इस आंदोलन को तेज़ करेंगे और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो माफ़ी मांगें, इसके लिए गिल्ट फील करें। ये हमारी मांग थी और हमने उचित माध्यम से इसको ऊपर तक पहुँचाया है और हम पूरे राजस्थान भर में यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, इसकी रूपरेखा बाद में तैयार की जाएगी। नाम आप? मेरा नाम मदन दान सिंह, मैं रिटायर्ड आईडीसीएल एसपी हूँ और पुलिस परिवार कल्याण शाखा का जिले का अध्यक्ष हूँ और सभी कर्मचारी हैं, सभी आईडीसीएल एसपी डिप्टी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं ये और सभी की तरफ से ये मांग है हमारे संगठन की तरफ से, क्योंकि जो वर्किंग कर्मचारी है जो यूनिफॉर्म में है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके कह नहीं सकते तो हम उनकी आवाज़ हैं, हम उनकी तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि डोटासरा जी माफ़ी मांगें अपनी गलती के लिए। दोबारा इस तरह का कोई व्यवहार किसी भी कर्मचारी के साथ, चाहे वो पुलिस का हो या अन्य हो, और क्यों नहीं आम नागरिक के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए, यही प्रजातंत्र की मांग है।